दिस इज़ धीरेन्द्र पराते, असिस्टेंट प्रोफेसर साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई, और मैं आपको यहाँ पे आज समझाऊँगा अनफॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस। सी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे कैसे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर यूज टू रीड सिंगल इनपुट फ्रॉम द यूज़र एट द कंसोल, एंड इट इज़ ऑल्सो अलाउ अस टू डिस्प्ले द वैल्यू इन द आउटपुट टू द यूज़र एट द कंसोल। जब भी हम लोग कंसोल से इनपुट लेते हैं या फिर कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट हम लोग डिस्प्ले करते हैं, तो वहाँ से अगर हम लोग को सिंगल इनपुट हम लोग को लेना है, लाइक हम लोग को किसी सिंगल कैरेक्टर को लेना है या फिर किसी सिंगल स्ट्रिंग को हम लोग को इनपुट लेना है, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो होते हैं वो सिंगल इनपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सिंग अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन जो होते हैं कैरेक्टर्स के लिए और स्ट्रिंग्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कैरेक्टर के लिए कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन अवेलेबल होता है गेट सी एच। गेट सी एच रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र एट द कंसोल विदाउट इकोइंग इट। गेट सी एच मीन्स यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेगा यूज़र से कंसोल स्क्रीन को यूज़ करके। कंसोल स्क्रीन जो हम लोग का आउटपुट स्क्रीन रहता है, जो अगर हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस का यूज़ कर रहे हैं तो जो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन रहती है उसको हम लोग बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। वहाँ से हम लोग को एक सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेना होता है। कैरेक्टर मीन्स सिर्फ और सिर्फ ए टू जेड और सिंबल्स, कोई भी यहाँ पे नंबर की हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं। तो गेट सी एच से सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर ही इनपुट ले सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पे गेट सी एच का यूज़ करते हैं। गेट सी एच ई, गेट सी एच ई रीड्स सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र एट द कंसोल एंड इकोइंग इट। गेट सी एच जो है सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेता है कंसोल से और साथ में उसको इको भी करता है। इसका मीन्स वहाँ पे हम लोग रिपीटेडली वन, तो एक के बाद एक हम लोग वहाँ से कैरेक्टर भी ले सकते हैं। थर्ड है गेट कैर रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र एट द कंसोल एंड इकोइंग इट, बट नीड्स एन एंटर की टू बी प्रेस्ड एट द एंड। गेट कैर इसका मतलब क्या होगा, रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा कंसोल से और उसको इको करेगा, लेकिन हमें हर बार वहाँ एंटर की प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में तीन फंक्शंस यहाँ पे देखेंगे, गेट सी एच, गेट सी एच ई और गेट कैर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में, जिसके अंदर चार हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है, गेट एस, पुट एस, पुट सी एच, पुट कैर। गेट एस की अगर हम लोग बात करते हैं तो रीड्स अ सिंगल स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूजर एट द कंसोल। सिंगल स्ट्रिंग जो हम लोग वहाँ पे एंटर करेंगे कंसोल स्क्रीन से वो रीड करेगा। सिंगल स्ट्रिंग मीन्स विदाउट वाइट स्पेसेस, वहाँ पे अगर कोई हम लोग स्ट्रिंग एंटर करते हैं तो वो गेट एस से हम लोग रीड कर सकते हैं। सेकेंड आता है पुट एस। पुट एस फंक्शन डिस्प्लेज अ सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू एट द कंसोल। किसी भी एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग कंसोल पे डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं पुट एस फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है पुट सी एच, डिस्प्ले सिंगल कैरेक्टर वैल्यू एट द कंसोल। पुट सी एच को हम लोग यूज़ करके सिंगल कैरेक्टर को स्क्रीन पे, कंसोल स्क्रीन पे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पुट कैर, डिस्प्लेज सिंगल कैरेक्टर वैल्यू एट द कंसोल। सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को अगर हमें कंसोल पे प्रिंट करना है तो हम लोग पुट कैर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स दोनों के लिए यहाँ पे देखें, स्ट्रिंग्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेट एस और पुट एस। कैरेक्टर्स के लिए हम लोग यहाँ पे अगर स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले करना है
कोई भी सिंगल कैरेक्टर, तो हम लोग पुट सी एच का यूज़ कर सकते हैं और पुट कैर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन पे। सबसे पहला है हमारा गेट कैर फंक्शन। द गेट कैर फंक्शन रीड्स कैरेक्टर टाइप डेटा फ्रॉम द इनपुट। द कैरेक्टर फंक्शन रीड्स वन कैरेक्टर एट ए टाइम टिल द यूज़र प्रेसेस द एंटर की। गेट कैर फंक्शन से हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर टाइप का डेटा इनपुट ले सकते हैं। जैसे ही हम वहाँ इनपुट करते हैं, हमें एंटर की प्रेस करना होता है। जब तक कीबोर्ड से एंटर की प्रेस नहीं करेंगे, तब तक वो कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमें कैरेक्टर एंटर करने के बाद एंटर की प्रेस करना होता है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं गेट कैर का। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। यहाँ पे हम लोग ने दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे मेन फंक्शन पे, जहाँ पे सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया है कैरेक्टर टाइप का सी। प्रिंट एफ एंटर ए कैरेक्टर, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से, जो कि हमारा एक फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। सी इक्वल टू गेट केयर, यहाँ पे गेट केयर हम लोग फंक्शन का यूज़ किया। यहाँ से एक वैल्यू ले, जैसे ही ये मैसेज प्रिंट करेगा, वहाँ से हम लोग को एक वैल्यू डालनी होगी, जो भी कंसोल स्क्रीन से गेट केयर फंक्शन की हेल्प से हम लोग को एक इनपुट मिलेगा, उसको हम लोग इस सी नाम के कैरेक्टर में स्टोर करा देंगे, सी नाम के कैरेक्टर में स्टोर करा देंगे। अब वही यहाँ पे प्रिंट एफ की हेल्प से हम लोग एंटर कैरेक्टर परसेंट सी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं और सी को यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार का हम लोग को एक आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। आउटपुट में एंटर कैरेक्टर, उसके बाद हम लोग ने वाई यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, वाई यहाँ पे एंटर किया, और गेट केयर की हेल्प से हम लोग को वाई इनपुट मिल जाएगा। और यहाँ एंटर्ड कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आउटपुट में हम लोग को यहाँ पे जो एंटर्ड कैरेक्टर था, जो हमने एंटर किया था, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है हमारे लिए, हियर गेट केयर रीड्स द इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले बैक टू द यूज़र। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, हम लोग ने एक इनपुट लिया और उसी इनपुट को हम लोग ने डिस्प्ले किया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गेट सी एच फंक्शन पे। द गेट सी एच फंक्शन रीड्स द अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम द यूजर, बट दैट द एंटर्ड कैरेक्टर विल नॉट बी डिस्प्लेड। गेट सी एच फंक्शन से हम लोग अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर इनपुट ले सकते हैं, लेकिन एंटर्ड कैरेक्टर, जो भी हम लोग कैरेक्टर एंटर करेंगे, वो डिस्प्ले नहीं होगा। इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वर्ड मेन, मेन फंक्शन में आ जाते हैं। प्रिंट एफ हेलो प्रेस एनी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर टू एग्जिट। यहाँ पे हम लोग ने लिखा है गेट सी एच। ठीक है, गेट सी एच हम लोग हर प्रोग्राम के लास्ट में इसीलिए लिखते हैं ताकि हम लोग इस प्रोग्राम से एक इनपुट लें और उसको डिस्प्ले ना करें। जब तक कोई भी कंसोल स्क्रीन से की प्रेस नहीं होगी, तब तक वो स्क्रीन वहीं के वहीं रुकी होगी। वो गेट सी एच फंक्शन ही होता है जो उस कंसोल स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, और जैसे ही उसको कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस जब भी हम लोग करते हैं, वहाँ से गेट सी एच पे इनपुट जाता है और उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद डिस्प्ले नहीं करता है, वापस से हमारे एडिटर स्क्रीन पे आ जाता है। तो गेट सी एच एक सिंगल इनपुट लेता है, अल्फा न्यूमरिक रहेगा, जो अल्फा न्यूमरिक वैल्यूज है उसको इनपुट लेगा और डिस्प्ले नहीं करेगा। यहाँ पे एक नोट है, द अबव प्रोग्राम विल रन अंटिल यू प्रेस वन ऑफ मैनी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स, द की प्रेस बाय यू विल नॉट बी डिस्प्लेड। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको हमेशा प्रोग्राम के एंडिंग में लिखते हैं, मतलब मेन मेथड, मेन फंक्शन के एंडिंग में हमेशा हम गेट सी एच का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डिस्प्ले नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गेट सी एच ई फंक्शन पे। गेट सी एच ई फंक्शन रीड्स द अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर फ्रॉम द
user input. Here character you entered will be echoed to the user until he or she presses any key. getCHE function अल्फानूमरिक कैरेक्टर को रीड करेगा यूजर से और उसको इको करेगा जब तक हम लोग कैरेक्टर को सॉरी एंटर की प्रेस ना कर दे या फिर कोई भी हम लोग की प्रेस ना करें तब तक वो इको कर देगा उसको। हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main यहाँ हम लोग मेन फंक्शन स्टार्ट करती है देन उसके बाद printf/n हेलो प्रेस एनी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर और सिंबल टू एग्जिट यहाँ पे लिए हम लोग getCHE देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं सबसे पहले क्या करेगा हेलो प्रेस एनी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर और सिंबल टू एग्जिट ये प्रिंट करेगा क्योंकि हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है लास्ट में लिखा है getCHE getCHE इनपुट लेगा हमने के इनपुट किया उस कैरेक्टर को उस getCHE ने इनपुट लिया और साथ में उसको प्रिंट भी कर दिया। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है द अबव प्रोग्राम विल रन अंटिल यू प्रेस वन ऑफ मैनी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स द की प्रेस बाय यू विल बी इकोड ठीक है इकोड मीन्स प्रिंट करना है स्क्रीन पे। नेक्स्ट आता है फंक्शन पुट केयर फंक्शन प्रिंट्स ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम जैसा गेट केयर था वैसे ही यहाँ पे पुट केयर फंक्शन होता है। गेट केयर क्या करता था एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेता था पुट केयर क्या करेगा एक सिंगल कैरेक्टर एक टाइम पे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा सिंगल कैरेक्टर। पुट केयर का हम लोग एक सी प्रोग्राम देख लेते हैं यहाँ हैश इंक्लूड stdio.h लिखे हैश इंक्लूड conio.h लिखे ये हमारा हेडर फाइल सेक्शन है। देन हम लोग आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन पे जहाँ पे हमने एक कैरेक्टर नाम का वेरिएबल लिया है सी कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है सी और उसको हम लोग इनिशलाइज कर लिए हैं के से कैपिटल के दिए हम लोग सिंगल कोट के अंदर में दिए। देन उसके बाद पुट केयर की हेल्प से हम लोग उस सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो आउटपुट में क्या आएगा आउटपुट में डिस्प्ले करेगा के क्योंकि के से ही हम लोग इस सी को इनिशलाइज किए थे उसी सी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। एज ए आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे सी की वैल्यू सी को पास करेंगे इस पुट केयर के अंदर में। नोट है यहाँ पे हियर वेरिएबल सी इज असाइन टू ए कैरेक्टर के द वेरिएबल सी इज डिस्प्लेड बाय द पुट केयर यूज सिंगल कोटेशन मार्क फॉर ए कैरेक्टर हम लोग हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। देन आता है पुट सी एच फंक्शन द पुट सी एच फंक्शन प्रिंट्स अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर पुट सी एच जो फंक्शन होगा वो अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। पुट केयर क्या कर रहा था सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को कर रहा था पुट सी एच क्या करेगा अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर मीन्स अल्फाबेटिक नंबर सिंबल्स नंबर्स तीनों को प्रिंट करेगा। यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h ये हमारा हेडर फाइल सेक्शन हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन लेते हैं सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशलाइज कर लिए यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं केयर सी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं printf प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। देन उसके बाद हम लोग गेट सी एच से इनपुट ले लिए और उसको हम लोग स्टोर कर दिए हैं सी नाम के वेरिएबल पे जो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए। देन उसके बाद printf से यहाँ पे इनपुट हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले किए साथ में यहाँ पुट सी एच से एक आर्गुमेंट पास किए जो कि हमारा यहाँ से जो इनपुट वैल्यू आई थी उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे और पुट सी एच की हेल्प से हम लोग उसको इको कर देंगे मीन्स प्रिंट कर देंगे।
देन उसके बाद यहाँ पे आउटपुट की अगर बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और यहाँ इनपुट, और अगर जो हम लोग डी कैरेक्टर डाल रहे हैं तो डी प्रिंट कर देगा, कोई भी कैरेक्टर हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे एक नोट इम्पॉर्टेंट है, द गेट सी एच फंक्शन विल नॉट इको ए कैरेक्टर, द पुट सी एच फंक्शन डिस्प्लेज द इनपुट यू प्रेस्ड। ठीक है, गेट सी एच फंक्शन कोई भी कैरेक्टर इको नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वही कैरेक्टर प्रिंट करेगा जो हम लोग अपने कीबोर्ड से एंटर किए रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस में। इसमें है गेट एस फंक्शन, द गेट एस फंक्शन कैन रीड फुल स्ट्रिंग इवन ब्लैंक स्पेसेस प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग, बट द स्कैन एफ फंक्शन लीव्स ए स्ट्रिंग आफ्टर ब्लैंक स्पेसेस इज डिटेक्टेड। द गेट एस फंक्शन इज यूज टू गेट एनी स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग इनपुट लेना है इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेसेस, हम लोग गेट एस फंक्शन की हेल्प से इनपुट ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर हम लोग आ जाते हैं मेन फंक्शन पे, यहाँ कैरेक्टर टाइप का हमने एक एरे क्रिएट कर लिया है जिसकी लेंथ है 25, मीन्स 25 कैरेक्टर्स तक हम लोग स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रिंट एफ एंटर ए स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले करेगा। देन उसके बाद हम लोग ने लिखा है गेट एस, उसके अंदर इस सी को हम लोग ने पास कर दिया है। सी क्या है, एक एरे है कैरेक्टर टाइप का जिसके अंदर 25 कैरेक्टर्स तक हम लोग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है हमने, इज ऑसम यहाँ पे प्रिंट किया है और यहाँ पास कर दिया है सी। यहाँ पे हमने एंटर किया एंटर स्ट्रिंग राहुल हमने एंटर किया, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या है, राहुल इज ऑसम, राहुल हमने एंटर किया, साथ में यहाँ पे अपेंड कर दिया राहुल इज ऑसम। यहाँ पे परसेंट एस की जगह पे राहुल प्रिंट होगा, राहुल इज ऑसम। यहाँ पे एक नोट है, द गेट एस फंक्शन रीड्स ए स्ट्रिंग फ्रॉम थ्रू कीबोर्ड एंड स्टोर इट इन द कैरेक्टर एरे सी ऑफ 25, द प्रिंट एफ फंक्शन डिस्प्लेज ए स्ट्रिंग ऑन द कंसोल। प्रिंट एफ की हेल्प से हम लोग इस कैरेक्टर को डिस्प्ले कर रहे हैं और गेट एस से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पुट एस फंक्शन, पुट एस फंक्शन प्रिंट्स द कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग ऑन द कंसोल। द पुट एस फंक्शन इज सिमिलर टू प्रिंट एफ फंक्शन बट वी कैन नॉट प्रिंट अदर देन कैरेक्टर्स यूजिंग पुट एस फंक्शन। यहाँ पे पुट एस फंक्शन किसी भी कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग को कंसोल पे प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। द पुट एस फंक्शन इज सिमिलर टू प्रिंट एफ फंक्शन। पुट एस फंक्शन और प्रिंट एफ फंक्शन एकदम लगभग लगभग सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग स्ट्रिंग को ही या फिर हम लोग कैरेक्टर्स को ही प्रिंट कर सकते हैं, अदर वैल्यूज को हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पे प्रिंट। इसका हम लोग एक प्रोग्राम देख लेते हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच जो हमारा हेडर फाइल सेक्शन है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मेन फंक्शन पे, कैर सी, यहाँ पे हम लोग ने एक एरे क्रिएट कर लिया है कैरेक्टर टाइप का जिसके जिसकी लेंथ है 25। प्रिंट एफ से हम लोग ने एक मैसेज प्रिंट किया एंटर योर नेम, ताकि हम लोग को पता चले कि अब नेम यहाँ पे एंटर करना है। हमने क्या किया, गेट सी से इनपुट ले लिया और वहाँ पे सी हम लोग ने कैरेक्टर जो हम लोग ने एरे एंटर किया था वो हम लोग ने डाल दिया। पुट एस सी से हम लोग ने क्या किया, जो सी में अभी अभी इनपुट हमने लिया है उसको डिस्प्ले किया। यहाँ पे कोई भी प्रिंट एफ स्टेटमेंट का हमने यूज़ नहीं किया है, हम लोग ने गेट एस से ही इनपुट लिया और पुट एस से उसको डिस्प्ले कर दिया। आउटपुट की तरफ हम लोग अगर ध्यान दें, यहाँ पे एंटर योर नेम यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ, देन उसके बाद हम लोग नेम एंटर किए तो वो गेट एस से हम लोग इनपुट ले लिए। देन उसके बाद यहाँ पे जॉन प्रिंट हो रहा है जो कि हमने इनपुट दिया था
जो हम लोग यहाँ पुट एस से आउटपुट को डिस्प्ले कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।